दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और आज का जो जवाब इन सवाल के का ये वीडियो है, और इस वीडियो में वो है नेहा सन्यासी। वो बोलती हैं कि सर, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा प्लान है कि यूपीएससी की तैयारी करना, और मैं कंफ्यूज हूँ सॉयल साइंस में और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए मेरे लिए बेटर होगा। तो आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं और अभी बीएससी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इस स्टेज पर अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा स्टेज होता है और एक कह सकते हैं कि राइट टाइम है आपका सोचने का। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि आप आगे की स्टडी भी बढ़ाना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट अगर लें जो कि आपके इस यूपीएससी में हेल्प कर सके, तो ये भी बहुत एक अच्छी एक डिसीजन है। तो इसमें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो मेरा खुद का जो एक एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको शेयर करूंगा, जो कि आपके कन्फ्यूजन को हो सकता है दूर करे। देखिए, जो सॉयल साइंस है वो क्या है, एग्रीकल्चर का कोर एक कह सकते हो कि साइंस का एक सब्जेक्ट है। और पहले जब एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में, तो उस टाइम पर सॉयल साइंस के क्वेश्चंस का एक रोल होता था कुछ लेवल तक। अभी आप देखोगे कि यूपीएससी क्या है, पैटर्न ने काफी चेंज कर रखा है। तो यूपीएससी का जो ये पैटर्न है वो आपके एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स का आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है जो कंफ्यूजन का, वो काफी फेवरेबल है जो कि यूपीएससी में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूपीएससी में मेंस होता है उसमें एक ही ऑप्शनल रह चुका है, और उसका वेटेज अगर देखोगे जीएस से तो काफी कम है, इसलिए जीएस काफी डिसाइडिंग हो जाता है। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको आउट ऑफ एग्रीकल्चर का भी नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी यूपीएससी में अच्छे आते हैं, और उन क्वेश्चन को जो करता है काफी रैंक में इंप्रूवमेंट होता है। और मेरे जो बैचमेट थे, जो लोग हमारे टाइम पर तैयारी करते थे, मैंने देखा कि उनका जो प्रीलिम्स में स्कोर और इवन मेंस में वो लोग अच्छा लिखते थे और सिलेक्शन पाया भी। और साथ ही साथ यूपीएससी में एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी लेती है। और तो अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हैं तो आप वहाँ भी एलिजिबल हो जाते हो, तो आपके लिए एक तरह से दायरा आउट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स आउट सेक्टर, आउट एग्रीकल्चर से आउटर सेक्टर है एक्सप्लोर करने का आपको चांस मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ आपका जो जीएस रहेगा उसमें ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। और रही लास्ट में, यही मैं कहना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। इसलिए इंटरेस्ट है अगर इन दोनों सब्जेक्टों में, तो इन दोनों में से आप, मेरा सजेशन होगा कि आप जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करिए, जो अगर आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं तो। तो वीडियो कैसा था, इसी तरह से आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं अपनी सुझाव आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोगों के कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो सकें। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।